नमस्कार सतेज सकाल आउ एक सतेज अध्याय को आपन को स्वागत करुछी मो शक्ति साई मिश्र नेते समस्त को सतेज भरा नमस्कार मो कमलाकांत प्रतिदिन भली आज जी हम आलोचना करबा विभिन्न खबर कागज पृष्ठा रे कोन सब प्रमुख खबर रहिछि आ मो रिपोर्टर माने मध्य जोडी हेबे अधिक आलोचना करबा तबे जदी आज रो खबर पृष्ठा ऊपर नजर पकाइबा तबे जे प्रसंग ऊपर आज हम आलोचना करिया पे जाउ छे से सब रहिछि गच्छमळे कि भली बारे पाठ पढा चलीछि चांदबाली रु ए खबर आसुछि सेई परि कंटिलोर आसुछि भंगा घरे किभली भाव में भविष्य काढ़ा जा संपर्कित खबर रही सतट श्रेणी को तीन शिक्षक विपर्यस्त शिक्षा व्यवस्था झुंपुरु एक खबर आसी पहुँचुचे ठिकार खटुं 14 डाक्टर बड़ डाक्टरखाना हे विश्वस्तर एवं केमी विश्वस्तरीय हम यह स्पष्ट करुक्ति दवा कथा दि जापार नहीं ठिकार खटुं 14 डाक्टर से स्वास्थ्य भित्तिमि को किभली भाव में केन्द्र गुरुत्व दे संपर्क में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जहाँ कहते से संपर्क में आगुक आलोचना करवा से मौसुमी को लेकिन एक खबर प्रकाश पाई कि भाव में स्वाभाविक हो पार नहीं लगातार किसी वर्ष धरी से संपर्क विभिन्न खबरकगज प्रकाश कर तो मौसुमी को लेकिन जो खबर आसी अति गुरुत्वपूर्ण एवं ये चिंताजनक विषय पलटि जे कि ऋतुचक्र बिगड़ जाए से खबर को प्राथमिकतार सहित प्रकाश कर संवाद जे चतुर्मासिया रे वर्षा रे अनियमितता बढ़ुची चाष पर्यटक विकास को जहाँकि प्रभावित करी राज्य सरकार नीरव ठोस कार्यक्रम नहीं ए खबर को गुरुत्व सहित प्रकाश करी संवाद जो भाई भाव पिलादिन आम पढ़ुलु जे ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रुद्र प्रकाश वर्षार आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन किंतु से स्थिति आउना ऋतुचक्र को लेकिन ये जो बार मास एवं छ ऋतुर जो कविता थिला से स्थिति किभली भाव में बिगड़ी जाइछि से कथा संवाद प्रकाश करछि कविता स्वयं प्रतिनिधि ए संपर्क में अधिक सूचना सहित जोड़ी होइछंती कविता जो भली भाव में खबर आसी ये दर्शाउछि जे किभली भाव में ऋतुचक्र बिगड़ी जाइछि वर्षा दिन में नियमित वर्षा होना एवं वर्ष सारा जो समय वर्षा आवश्यक ना से समय वर्षा होकि चाष को विशेष भाव प्रभावित किंतु कर राज्य सरकार नीरव कौन सी ठोस पदक्षेप नि जाऊना यार प्रतिकार पाई देखो शक्ति साई वर्षा कथा जदि कह तबे जो चारिमास वर्षा होता है विशेषकर जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर यही चारिमास विशेष भाव में वर्षा होता है जो वर्षा ऋतुचक्र बिगिड़ लगी अनियमितता वर्षार देखा मिली जी परिमाण वर्षा होगा कथा से परिमाण वर्षा होने नियंटिया वर्षा होते काम हाँ वर्षा तो क्योंठी केत प्रबल अति प्रबल वर्षा होदी कह जो छबर्षर रिपोर्ट जहाँ पापाग विभाग पक्षर तथ्य आसी 2016-2021 वर्षा एवं केस वर्षा हो तार मध्य रिपोर्ट मुझे चाहिए कि 2016 कथा जी कह जून मसरे -24 वर्षा होता बेले जुलाई मसरे -14 एवं जुलाई मासरे -18 एवं अगस्ट मासरे -13% वर्षा होता एवं जदि ता परमास कथा 2017 कथा कहबा जून रे मध्य -2% एवं जुलाई रे +4% वर्षा होता भल स्वाभाविक वर्षा होता एवं अगस्ट मासरे -17 एवं सेप्टेम्बर मासरे -19 जदि कहबा ए वर्ष आकलन करा जाइछि जहाँ मौसमी को लेकिन गत काली तथ्य मध्य आसी कि स्वाभाविक वर्षा हेबो एवं चारिदिन पूर्वर जहाँ पूर्व वर्ष भाई ए वर्ष टे पूर्व मौसुमी छुईब 27 तारीख में मौसुमी जो केरल छुईब बोली जहाँ रिपोर्ट ट्विट मध्यम आंचलिक पापा विभाग सूचना देता एवं तार जो 10 दिन मध्य साधारणत तो केरल मौसुमी छुईला पर तार साधारण 10 दिन पर ही ओडिशा छुई था मौसुमी आदि कह 6 तारीख में कह आकलन कर 6 तारीख में ओडिशा मौसुमी छुईब एवं यह वर्ष चलित बर्ष स्वाभाविक वर्षा हो जहाँ आकलन करूँ गोटे कथा जो 6 वर्षर रिपोर्ट जदि कथा कह रिपोर्ट को अनुधान कले जमापड़ी के भाव में अनियमितता वर्षार अनियमितता नियंटिया वर्षा हो चलित बर्ष जहाँ आकलन करमाण में वर्षा होब कि नहीं ता नहीं गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि होदी कह
ଟିକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି କହିବା, ମେ ମାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ମାସରେ ଯେତିକି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି, ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଚାଷ କରିବାର ସମୟ, ସେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାଣି, ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବ ସେ ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅମଳ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ये तो अति गंभीर कथा, अति चिंताजनक कथा एवं उद्वेगजनक कथा जे यदि एभली भाव रे जलवायु रे परिवर्तन घटिबो एवं यदि अनियमितता वर्ष अनियमित भाव रे वर्षा हबो एवं जितेबेले भी वर्षा हबो सेतेबेले आवश्यक थारु अधिक वर्षा हबो, अति वर्षा अल्प वृष्टि एवं अतिवृष्टि, ये अति चिंताजनक जहाँकि ओडिशा पई चासी मानंकर मेरुदंड भांगी देबा भली ये होची स्थिति सृष्टि करिछि। तो सरकार केबे निद भांग ये देई ठोस पदक्षेप ने ये हूँ बड़ा प्रश्न। तो यह संपर्क में जो भाई भाव तथ्य रखुले आम प्रतिनिधि कविता स्वाई जहाँकि संवाद अति गुरुतर सहित प्रकाश कर खबर को निहाती भाव परवर्ती खबर शिक्षा व्यवस्था को लेकिन रही राज्य में किभली भाव में तीन टी खबर जो देखा वर्तमान रही गोटे विपर्यस्त शिक्षा व्यवस्था सातटी श्रेणी को तीन शिक्षक रही एक खबर टी आसी पहुँचुची बड़डुमुरिया पंचायत गोविंदपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय से हीपरी देखा आउ एक खबर से हीपरी प्रकाश पाई असुरक्षित कृष्ण गौरांग मेमोरियाल उच्च विद्यालय भंगा घरे गढ़ा भविष्य ए संपर्क में जब देखा यह कंटिलोरु आसूँ किभली भाव में फटो सहित प्रकाश पाई यही घर ही भविष्य गढ़ा जामर परवर्ती पीढ़ीपाई यही व्यवस्था करपरि चांदबाली रु जो खबर आसुची गछमूले पाठपढ़ा चली दुई विद्यालय को जन शिक्षक मात्र रही छस ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पद खाली पड़ी 170 विद्यालय प्रधान शिक्षक नहांती कागज कलम मध्यान भोजन चलती दीप्ति आम भद्रक प्रतिनिधि जोड़ सारी अधिक आलोचना करने दीप्ति आम देखुले तीन टी खबर देखुले तेब खास करके चांदबाली कथा जानापी चाहिए जोटि की दुईट स्कूल मात्र गोटे शिक्षक रही सेपटे गछ तले ही भविष्य गढ़ा चली निश्चित भाव कमलाकांत आप जानते भल भाव ये हूँ केवल भद्रक जिला नुहे समग्र राज्य परिस्थिति शिक्षा शिक्षार जो करुण चित्र देखा मिलूँ देखो 5G योजन सरकार कोटि कोटि टाँचा खर्च कर स्मार्ट स्कूल बनाऊँ कितु कौटिना कौटी शिक्षक निजुक्ति कराऊना जहाँ को लेकिन छुआ संख्या अनुसार शिक्षक निजुक्ति कराऊनी जेहेतु देखो दुईट श्रेणीर गोटे शिक्षक 6 मास वर्तमान जो चांदबाली ब्लॉक रही ब्लॉकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदवी खाली पड़ी किंतु कौटी ना कौटी जो गछमूल भी पाठ पढ़ा जाऊँगी जेहेतु क्लासरूम संपूर्ण भाव में विपर्यस्त हो पड़ी से जेहेतु सुरक्षित मन करूना से पाला गछमूल पढ़ाऊँ शिक्षक कितु समग्र जो चित्र को देखिए कौटी ना कौटी राज्य सरकार प्रश्नवाची सृष्टि करते शिक्षक मैंने लोअर PMG भुवनेश्वर ठारे आंदोलन करूँ दिवारात्रि वर्षा ना खरा ना सब समय जो आंदोलन करूँ राज्य सरकार शिक्षक मानक कहीं निजुक्ति कराऊनी पिला भविष्य को देखुना कौटी ना कौटी प्रश्नवाची सृष्टि कर राज्यर तमाम अभिभावक समस्ते चाह बसवे कि पिला उन्नत मान शिक्षा पढ़ाई आपड़ केवल जो चांदबाली कथा कहला चांदबाली यहाँ समस्या देखा मिली जो कागज कलम मध्यान्ह भोजन चली शिक्षक मैंने जोबले स्कूल संपूर्ण भाव में शिक्षक आसूना पिला जिते आसुँच किंतु से अनुसार पाठ भी पढ़ाऊनि किंतु कौटी ना कौटी मध्यान्ह भोजन कागज कलम लेखा जा पा मध्यान्ह भोजन दि जा प्रकृत में तहार भी तदारक होना पिला संपूर्ण भाव में खाद्य पाँच कि नहीं कौटी ना कौटी प्रश्नवाची सृष्टि करवल एटि नुहे कंटिलोर भी देखिए राज्य तमाम जो तीनो स्कूल कथा कहले निहत करुण चित्र देखा मिलूँ किंतु शिक्षा मंत्री हूँ बा राज्य सरकार हूँ कहीं वैमंत्रिक भाव कर पिला भविष्य को लेकिन कहीं खेल खेलुँच कौटी ना कौटी
प्रश्नवाची सृष्टि करुचे निहाती भावरे या उपरे दृष्टि देवा दरकार जेहेतु पिला माने संपूर्ण भावरे किपरि भावरे उन्नत मानर पाठ पढ़िबे तांको पई शिक्षक मानको भी मध्य सही अनुपात रे नियुक्ति करा जिबा दरकार जो शिक्षक जो रही चंदे अन्य पटे जे देखिबे फाइव टी योजना माध्यम रे जे देखिबा जहा अभिजोग आसी पहुंची जी 2014 रु ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कार्यालय 8 वर्ष हला पांचपड़ शिव दुर्गा विद्यालय परिसर से चलतीपरि जो देखिए छः मसला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पद मध्य भारप्राप्त चली तो जो जो मैंने शिक्षा व्यवस्था को चलाइए अवस्था भी देखु पिला अवस्था भी देखते से किभली भाव में पाठ पढ़ुंट तो पूरा व्यवस्था को लेकिन प्रश्न उठू निश्चित देखो कहीं केवल जिलार जे शिक्षा अधिकारी रही सी भी जिते बड़े ब्लक गस्तर जातु कौटिना कौटी जिते बड़े ब्लक गस्तर जाऊँच ब्लक शिक्षा अधिकारी छः मस है पदवी खाली पड़ी से कहीं निजुक्ति कहीं अफिसर मान नियोजित करूना से देखिए हाराहारी 170 स्कूल बर्तमान प्रधान शिक्षक ना कहीं जिलार यहाँ प्रधान शिक्षक मानक कहीं निजुक्ति दि जाऊना कहीं चेक कर रिव्यू कर पाला सठिक भाव में अच्छा कि ना के पा मैंने आसल ना कागज कलम जो मध्यान भोजन चलू ना के कागज कलम ही स्कूल चलती जहाँ जमापड़ी कि कौटी ना कौटी एवं भी पर्यटन तो जो जिला शिक्षा अधिकारी अच्छा सी भी इनक्वारी करवा दरकार केवल एसी रूम्रे बस हेनी निहत भाव ग्राउंड को जवा दरकार ग्राउंड में किपर भाव में जो गचमूल पढ़ा जा पे कहीं गचमूल पढ़ा हो राज्य सरकार कोटि कोटी टाँग खर्च करके स्कूल बनाऊँच स्मार्ट स्कूल बनाऊँच कि गचमूल कहीं पाने पढ़े कहीं अभिभावक पे उन्नत मान शिक्षा पाइबा खबर कागज प्रकाश पाई 148 रु अधिक मामला रही विभाग ना तो कौटिना कौटी बिवाद छंदी होसबु अभोग जिते कि कार्यानुषान नि अदालत आश्रय नि निश्चित भाव देखो एक नहीं अभिभावक हूँ बा स्कूल कमिटी कमिटी पक्षर हो बारंबार जनाऊँ जिला प्रशासन कतु आरंभ कर जिला शिक्षा अधिकारी पर्यटन समस्त प्रकार जनाऊँ देखु आम पिला किपर भाव में उन्नत मानर पाठ पढ़े से ही मानर से ही अनुसार शिक्षक निजुक्ति कराऊँ जो स्कूल अव्यवस्था घर में पड़ रही जो भी भंगा ददरा जो रही किपर भाव में मराम जीत विभिन्न समय जिते कोटि कोटी टाँग खर्च हो स्कूल विभाग पक्ष कि कहीं वैमित्रिक भाव करा जाउची जिला शिक्षा अधिकारी होंतु वा जिला प्रशासन होंतु काई के एबोलिया बयमत्रक भाव देखो दउचंदी नेते आपण दीप्ति जी प्रश्न पचाउचंदी साधारण जनता भी सही प्रश्न निहाति भाबरे पचारथबे बहुत-बहुत धन्यवाद भद्रकरु दीप्ति रहिथे अधिक आलोचना करथले किबोल भाबरे खबर प्रकाश पाइछि चांदबाली कथा कोन्ते एवं अन्य जिला कथा मध्ये से आलोचना परवर्ती खबरटी ऊपर आमे आलोचना करबा से होउची जे ओडिसा रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि को गुरुत्व देउची केन्द्र ए कथा को नेकी प्रतिक्रिया रखिथिले केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं तांकर प्रतिक्रिया को लेकिन खबर प्रकाश पाई जे राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में विपुल पुंजनिवेश होउची जनजाति अंचल उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा लक्ष्य रही एनटीपीसी आउ एमसीएल समेत 9 मेडिकल कॉलेज पाई सहयोग करिछि केन्द्र कोविड काल रे गुरुदायित्व निर्वाह करिछि एवं केन्द्रीय राष्ट्रायत्त उद्योग गुड़िक गुरुदायित्व तुलाई कि से कथा को नहींक प्रतिक्रिया रखी केन्द्र शिक्षा मंत्री एवं से खबर प्रकाश पाई खबर कागज रे एवं जो भली भाव निकट अभिभक्त ढेंकानाल जिले में तालचेर ठारे महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रतिष्ठा दिगरे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री भूमिका को लेकिन प्रशंसा करते जो 492 कोटी टंकारे महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च प्रतिष्ठा करा जाउछि तो लगातार भाव में केन्द्र सरकार किभली ओडिशा रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि उपरे गुरुत्व देइछन्ति से कथा को ए खबर कागज स्थानित करिछि गगन विश्वाल नुआदिल्ली आम प्रतिनिधि जोड़ी होती गगन जो भली भाव में मोदी सरकार आसवा परठा स्वास्थ्य भित्तिभूमि विकास उपर गुरुत्व दि जाए 9 मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा लगी केन्द्र एटी सिंहभाग सहयोग कर निकटे जो भी भाव में तालचेर महानदी मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी भाव में ये स्थापन हवाकू जा प्रसंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान
बयान जो भली भाव रखी थे से खबर प्रकाश कर तो मोदी सरकार फोकस सब रही आ स्वास्थ्य भित्तिमि से कथा को दोहराई केन्द्रमंत्री देखते शक्ति निश्चित भाव जेहेतु गोटे अदृश्य शक्ति गोटे ग्रास कला संपूर्ण विश्व को तेणु से कौटना कौटी पूरा विश्व चिंतार पड़ा कि भाव सब राष्ट्र स्वास्थ्य भित्तिम को सुदृढ़ कर भारत सरकार से पछ नथिले भारत सरकार लगातार भाव इनिशिएटिव नहीं खास कर देखिए कोविड समय रे जो राज्य मान को जो अर्थ दि जाइला सेथिरे निश्चित भाव राज्य मानकर स्वास्थ्य भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने विशेष सहायक होती बर्तमान देखिए ओडिशार अनेक मेडिकल कॉलेज एवं खास कर जो पुराना तीनोटी मेडिकल कॉलेज रही बुर्ला कथा कहतु एससीबी कि ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज कथा कहतु से संख्या सीट वृद्धि कथा कथा कहतु कि बालेश्वर मयूरभंज तालचेर कतुल आरंभ करके अनुन्नत जिला कोरापुट जिला कथा कहतु से सब जगार बर्तमान मेडिकल कॉलेज को बिल्डअप करने राज्य सरकार बर्तमान पूरा प्रयास जारी रही जो कथा आप कहते सुंदरगढ़ एनटीपीसी सहायता कथा कहतु तालचेर एनसीएल सहायता कथा कहतु जो राष्ट्रीय उद्योग रही पुंजनिवेश कर आगामी दिन में आहरी अधिक मेडिकल कॉलेज जल्दी बिल्डअप हो स्वास्थ्य भित्तिभूमि सुदृढ़ करने राज्य सरकार स्टेप नौते निश्चित भाव हेल्पफुल करेंगे आउ गोटे कथा से एड करते कोविड समय रे एमसीएल कथा कहतु एनटीपीसी कथा कहतु अनेक जो ओडिशार राष्ट्रीय उद्योग रही पांचश कोटी टंकारु अधिक अर्थ खर्च करते राज्य विभिन्न जगह हेल्थ कैंप कथा कहतु टीका क्षेत्र ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था कथा कहतु अनेक आनुषंगिक व्यवस्था से आगो को आसी जहाँकि गोटे भल स्टेप से धन्यवाद देते विभाग मंत्री को धन्यवाद देते ये जो प्रयास कर निश्चित भाव जी राज्य सरकार अंटा भिड़े शक्ति कहीं समय देखु अनेक अर्थ जातु तार ठीक बाटर इम्प्लीमेंटेशन हो पार्नि परवर्त पर्यायर केन्द्र को दोष दि जाऊँच तेनालीरु निवृत्त रही राज्य सरकार जी आहरी हाथ सहित हाथ मिलेगी जमीक डबल इंजिन सरकार कम कर राज्य उत्तर प्रदेश कथा कहतु विभिन्न राज्य का एग्जांपल हिसाब से नहीं पारे से किभ केन्द्रीय सहायता से निजर स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन कर राज्य में तेणु निश्चित भाव राज्य सरकार जब आउ टे इनिशिएटिव ने जो अर्थ गुड़िक आसूसी सठिक रूप से सठिक ढंग से रूपायन हो पार यार गोटे भल रिजल्ट आगामी दिन में मिल सी आउ गोटे कथा कही कोविड आसला सेमती आगामी दिन में आउ किसी महामारी आसो तेणु हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निहाती आवश्यक करुच राज्य जेहेतु अनेक अनुन्नत इलाका रही आदिवासी अंचल रही तेणु से सब जगार स्वास्थ्य ही प्राथमिकता होगा दरकार उभय सरकार निश्चित भाव एवं से ही कथा ही केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रकाश कर जे किभली भाव में ओडिशा भली एक राज्य जोटि आवश्यक रही स्वास्थ्य भित्तिभूमि विकास वर्ष वर्ष धरिकी जहाँकि चरम अवहलार शिकार हो आसला कि मोदी सरकार आसवा पर तार प्राथमिकता दे क्षेत्र उपर जार परिणाम स्वरूप आज कोरापुट कहतु बलांगीर कहतु बालेश्वर कलाहांडी सबुठी एवं तालचेर में खूब शीघ्र नुआ मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा होतेक स्थान में काम कला खूब शीघ्र काम करा पुरी में कार्यकारी हे खूब शीघ्र मेडिकल कॉलेज ए दिगरे मोदी सरकार प्रचेषा निश्चित रूपे स्वागत योग्य प्रशंसा योग्य जो कथा कि केन्द्रमंत्री प्रतिक्रिया रखिंट निहाती परवर्ती खबर कटक रु आसी जोटि बड़ मेडिकल को लेकिन आपड़ प्रचार बहुत बार शुणी विश्वस्तरीय हम बड़ मेडिकल कितु तार असल चित्र कौन ताक नहीं खबर प्रकाश पाई ठिकार खटुंट 14 डाक्टर एनएमसी अनुजाई पद पूरण होमी भी रही भी पालन करा देखा 30 सज्जा को नहीं गोटे यूनिट हवा कथा कितु बड़ मेडिकल 60 सज्जार गोटे यूनिट सठिक भाव में कार्य करना कारण जेहेतु डाक्टर अभाव रही तो जो बड़ मेडिकल उपर ओडिशार प्राय अधिकांश लोक खास करके गरीब जो मैंने टंका दे पारती से निर्भर करती अन्य माने खास करी ओडिशा पूरा ओडिशा निहाती भाव में निर्भर करे सेठाकर स्थिति यही भाव रही अधिक आलोचना करने इमरान खान आम कटक प्रतिनिधि जोड़ सारी इमरान जब देखा विश्वस्तरीय हम एक प्रचार जोरदार चली कि विश्वस्तरीय यही भाव हम लोक तो निहाती भाव प्रश्न करेंगे देखो कमलाकांत आप जानते हैं कटक एससीबी मेडिकल को विश्वस्तरीय करवा तथा एम्स प्लस करने राज्य सरकार डीडीएम पिटुचंती एथिपाई घोषणा 10,000 कोटी टंका खर्च करा जीव या सहित भित्तिभूमि सजा जीव
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଦେଖିବେ ସେଠି ପୁରା ପୁରୀ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରୋଗୀ ମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ମାନେ ଖଟ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ମାନ ଅଙ୍ଗଣାରେ ରହିକି ସେମାନେ ସେଠି ଛୁଟି ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ମାନେ ମୃତଦେହ ବେଡ୍ ତଳେ ପଡୁଛି, ବେଡ୍ ଉପରେ ରୋଗୀ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଅନେକ ସମୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ରହିଛି। ଖାସ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଛି ପାଖାପାଖି 18 ଜଣ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଠିକାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରେଗୁଲାର କରାଯାଇନି। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅଭାବ ରହୁଛି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏନ୍ଏନ୍ସିର ନିୟମ ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଯୋଉ ନିୟମ କହୁଛି ଯେ 60 ଶଯ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଏଠି ନିୟମ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏମ୍ସିର ନିୟମ କରୁଛି ଯେ 30 ଶଯ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ଜଣେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ 2 ଜଣ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ନିୟମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକି 30 ଶଯ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା 60 ଶଯ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ, ଏବଂ ଯାହାକି ଏନ୍ଏମ୍ସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ୱାର୍ଡ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ହୃଦୟ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ 3ଟି ବିଭାଗରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରଫେସର, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ପଦ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଦବୀକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋଉଠି କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୋଗ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, କେବେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇକି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଏ ଖବର ହିଁ ଧରା ପକାଇ ଦଉଛି ଯେ ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାରର ଅସଲ କଥା, ପ୍ରଚାର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସତ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ, କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀ ସେବା ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକାରେ ଡାକ୍ତର ଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ଏବଂ ଏକୁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟା ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବାସ୍ତବ କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ସୂଚନା ପାଇଁ।